हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी बच्चों? तैयार हो जाइए। अपने जो पनोरमा बुक है उसमें हम आज पढ़ेंगे द लास्ट लेसन वाला चैप्टर। बच्चों, पहले हमारा रिट्रैप हो चुका है, बहुत सारे पार्ट्स बनाए, उसके अलग अलग आपको तरीके से बताया है। तो आज का हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, द लास्ट लेसन। तैयार रहिए क्लास 12th। ओके बच्चों, देखिए द लास्ट लेसन जो है वो अल्फोंस डॉडेट का लिखा हुआ चैप्टर है। बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों, हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो कहानी आपको ऐसे याद करनी है कि बस आपको अपनी ज़ुबानी याद आ जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए बच्चों, कहानी है इस तरह से। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट दैट मॉर्निंग। मतलब जो इसमें कहानी सुना रहा है जो लेखक है वो कह रहा है, आई स्टार्टेड, मैं रवाना हुआ फॉर स्कूल, स्कूल के वेरी लेट, देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। और जिस सुबह की वो बात कर रहा है उसके लिए कह रहा है कि मैं बहुत देरी से रवाना हुआ था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और वॉज इन ग्रेट ड्रेड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था ऑफ ए स्कॉल्डिंग, डांट फटकार की वजह से, कि मुझे डांट फटकार मिलेगी, उस वजह से बहुत ही मैं बहुत भयभीत था, डरा हुआ था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, विशेष रूप से कि एम हेमल, ध्यान रखना बच्चों, एम हेमल इसके अंदर एक अध्यापक है और उन्हीं के ऊपर ये कहानी है पूरी। एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो क्या करेंगे बच्चों, उनसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल्स होती है बच्चों, जैसे अपनी जो वर्ब होती है ना, क्रियाएँ जो होती है उनके जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, जो इनका विशेषण जो होता है उनको बताना पड़ता है बच्चों, समझ गए ना? हाँ, वही पार्टी वर्ब ही होती है, आप तो ये माइंड में सेट कर लीजिए। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, वो कह रहा है, और मैं तो इनके बारे में पहला अक्षर भी नहीं जानता, पार्टिसिपल होता क्या है। ये लेखक कह रहा है ये बात है कि मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे, कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, भाई स्कूल तो नहीं जाऊँ, स्कूल डांट मिलेगी, वैसे याद है कुछ नहीं है, तो सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द ऑफ डोर, और घर से बाहर जो है अपना समय गुजार लूं, मैं स्कूल नहीं जाऊं। इट वॉज सो वार्म, लेकिन क्या था, धूप बहुत तेज थी, गर्मी थी, सो ब्राइट, तेज धूप थी। द बर्ड्स वर चियपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगलों में जो है वो पक्षी चहचहा रहे थे। भाई उसने ये सोच तो लिया था कि मैं ऐसा ऐसा कर लेता हूँ, मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा, और अपना पूरा दिन जो है घर से बाहर में निकाल दूंगा। तो ऐसा देखा कि धूप भी जो तेज थी, और जो जंगल के किनारों पर जो है पक्षी वो थे, वो भी चहचहा रहे थे। तो क्या हुआ देखो इसने, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में, खेतों में, बैक ऑफ द सामिल, शामिल होती है बच्चों आरा मशीन, ध्यान रखना आपके वोकैबुलरी तैयार ऐसी होगी, ये भी एक पार्टिसिपल का ही रूप होता है, समझ लीजिए, शामिल आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे द प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसियन के जो सैनिक जो थे, प्रूसियन बच्चों सेना है वहाँ की, और उनके लिए ही बोला गया है कि प्रूसियन के जो सैनिक है आरा मशीन के पीछे, इसको प्रशा भी बोलते हैं बच्चों, हम अपनी जैसे भाषा में प्रशा के सिपाही, प्रशा के सैनिक, प्रूसियन में हमारे पढ़ने में आता है इंग्लिश, देखो PRUSSIAN, वैसे इसको बोलते हैं प्रशा, ठीक है। प्रशा के जो सैनिक है वह ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे बच्चों, ड्रिलिंग का मतलब होता है युद्ध का अभ्यास करना, जैसे अभ्यास करते हैं ना उसे, हाँ जैसे हम कोई भी गेम खेलते तो पहले प्रैक्टिस करते हैं, वैसे वो भी प्रैक्टिस ही कर रहे थे। शाबाश बच्चों। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग, टैम्पटिंग होता है बच्चा अट्रैक्टिव, यानी लुभावना, ये बहुत ही ज़्यादा लुभावना था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम से भी ज़्यादा लुभावना लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, किंतु मेरे अंदर ताकत थी टू रेसिस्ट, सामना करने की, रेसिस्ट होता है बच्चों सामना, सामने वाले का दबाव डालना, सामने वाले की हिम्मत को अपनी हिम्मत के साथ में जो है उसका मुकाबला करना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए वो रवाना हो गया। अब क्या होता है बच्चों, देखो हमने देखा कि स्कूल के लिए रवाना हो गया, उसको डर रहा था वो जो लेख, इसमें जो लेखक कह रहा है वो, और एम हेमल नाम का टीचर इसमें आया है, उनने क्वेश्चन दिए थे पार्टिसिपल पे, तो उसने सोचा कि वो कहता है कि मुझे पार्टिसिपल के तो याद भी नहीं है, तो सोचा सारा दिन घर से बाहर निकाल दूँ और क्या करूं, यहाँ से जो है कहीं बाहर गुजारूं। तो जंगल का वर्णन किया कि चिड़िया चहचहा रही थी, धूप हो रही थी, है ना,
ऐसे गर्मी पड़ रही थी। शामिल आरा मशीन के पीछे प्रूसा के सैनिक जो है वो युद्ध अभ्यास कर रहे थे और यह सब उसको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन याद रहा कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं हिम्मत रखूँगा और मैं सामना करूँगा। वेन आई पास द टाउन हॉल, वो कह रहा है जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा निकला वहाँ से, वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड होता है बच्चों सूचना पट, जो सूचना पट था ना उसके बाहर एक भीड़ लगी हुई थी। और वॉट वॉज द न्यूज़ ऑफ बुलेटिन बोर्ड, क्यों से नहीं बनेगा बच्चों इसके अंदर की बुलेटिन बोर्ड पे कैसी खबरें आती थी। फॉर द लास्ट टू ईयर, पिछले दो सालों में ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, कह रहा है कि हमारे लिए जो बुरी खबरें आती थी वहीं से ही आती थी। द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध की खबरें, द ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर, द ड्राफ्ट यानी कि भर्ती की खबरें, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश थे वही वहीं मिलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप में सोचने लगा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके चलता गया, स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो ये बात देख करके सोचता सोचता जो है वो आगे चल दिया। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, मतलब समझिए किस किस के लिए बोला, ये जो भीड़ लग रही थी ना वहाँ पर, उस भीड़ के लिए सोचने लग गया कि अब ऐसी क्या बात हो सकती है, आज भीड़ क्यों लगी हुई है। भाई मानते हैं कि बुलेटिन बोर्ड में खबरें आती थी, लड़ाइयाँ चल रही है, युद्ध हार गए, सेना में भर्तियों की खबरें ड्राफ्ट होती है, कमांडिंग ऑफिसर ने बहुत जो आदेश दिए हैं वो आदेश जो है वहीं से मिलते हैं, तो ये बात बच्चों वो सोच करके जो है लेखक आगे जो है बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या था, हिम्मत थी, रेसिस करने की साहस था उसके अंदर। पार्टिसिपल पे याद नहीं था क्वेश्चन, फिर भी बच्चों को देखो स्कूल जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना यहाँ तक, आगे चलें। ओके देखिए, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, वो कह रहा है फिर उसके बाद आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं चल सकता था, जितना स्पीड से मैं चल सकता था उतना स्पीड से मैं चलने लग गया, ऐसा वो लेखक कह रहा है। द ब्लैक स्मिथ, अब देखो बच्चों रास्ते की घटनाएं बता रहा है, पहले तो शामिल वाला बता दिया, चिड़ियों का चहचाना बता दिया, ठीक है ना, अब कह रहा है कि ब्लैक स्मिथ होता है ना, ब्लैक स्मिथ होता है बच्चा लोहार, है ना, उसका नाम जो भी आएगा इसके अंदर जो बताएगा कि जो रास्ते में जब वो जा रहा होता है ना और जाने के बाद में उसको रास्ते में जो भी मिल जाता है, उसका नाम तो देखो इसे देगा वॉक्टर, डब्ल्यू ए सी एस टी आर, वॉक्टर नाम का एक लोहार है, हु वॉज देयर, जो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, किन के साथ में था, अपने प्रशिक्षुओं के साथ में, प्रशिक्षु जानते हैं सभी आप, हाँ जो काम सीखने वाले होते हैं, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन होता है समाचार पत्र, ठीक है, यानी वो खबरें पढ़ रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर यानी कि बुलाना, उसने मुझे आवाज़ लगाई, उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, और क्या बोलता है, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलो, बब, बब यानी होता है बच्चे, लड़के, क्या होता है बच्चे इसका मतलब, हाँ लड़के या बच्चे कुछ भी कह सकते हो आप इसमें, कि लड़के या बच्चे इतना तेज मत चलो, You will get to your school in plenty of time. You will get, यानी तुम्हारे पास होगा to your school जाने का in plenty of time. पर्याप्त समय होगा, तेरे पास काफ़ी समय है, बोले इतना जल्दी मत चल, वो ऐसे सोचने लगे कि तेरे पास पर्याप्त समय है लड़के, धीरे धीरे चल, मतलब उसको समझ में नहीं वो बात क्या थी। I thought he was making fun of me. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा था। And reached M. Hamel's little garden. ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, वो कहता है हाँपता हुआ, मतलब तेज गति से चल रहा था तो हाँपता हुआ कहाँ पहुँच गया, एम हेमल का एक बगीचा था जो उसने स्कूल में लगा रखा था वहाँ पर पहुँच गया, समझ में आ गया ना। आगे देखिए, मतलब वहाँ जाने के बाद में जब वो रास्ते में चला तो उसको वॉक्टर नाम का जो है लोहार मिला, लोहार अपने प्रशिक्षुओं के साथ में काम कर रहा था, तो उसने अखबार में कुछ ऐसी खबर पढ़ ली जो उसको समझ में नहीं आई, जो धन लेखक था उसको समझ में नहीं आई, तो वो सोचता है तो हमेशा मजाक करता है मेरे से, आज ही मजाक ही कर रहा होगा, ये उसको ऐसा महसूस हुआ, तो वो कहता है कि तेरे पास काफ़ी समय है धीरे धीरे चल ले, लेकिन वो तेज चलता गया और वहाँ जा कर के देखा तो क्या होता है देखो। यूजुअली वैन स्कूल बिगेन, वो कहता है सामान्य तौर पर जैसे स्कूल शुरू हुआ करती थी ना, वॉज ए ग्रेट बसल, तो बहुत ही ज़्यादा बसल यानी शोर शराबा हुआ करता था, विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जो गलियों में बाहर की तरफ भी सुनाई देती थी कि शोर शराबा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, टेबल कुर्सियों के खोलने बंद करने की आवाज़ें सुनाई देती थी, और क्या होता था, लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, यूनिजन होता बच्चों इन अनयूनिजन, एक साथ
यूनिजन होता है एक साथ, तो लेसन को दोहराने की आवाज़ आई थी, एक साथ जो है लेसन को दोहराते थे। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स, वेरी लाउड बहुत जोरी से, विद आवर हैंड्स आवर द ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम क्या करते हैं हमारे हाथों को जो है ना कानों में लगा देते हैं अच्छे समझने के लिए, ताकि अच्छे समझ में हमें आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो हमारे अध्यापक थे ना उनकी एक बड़ी सी छड़ी थी रूलर, रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पे जो है रैपिंग कर रहे थे, रैपिंग मतलब टप टप की आवाज़ से करते ना, ऐसी आवाज़ें आ रही थी रैपिंग। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टील, किंतु अब सब कुछ शांत था। तो देखो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर के पहले स्कूल चालू होते तो क्या क्या होता था, लेकिन आज जब लेखक वहाँ पर पहुँचा है जो बच्चा छोटा बच्चा, तो उसको सब कुछ यहाँ पर चेंज लगा, सब कुछ यहाँ पर बदलाव लगा, इसलिए वो कह रहा है कि आज मुझे सब कुछ अलग लगा है, ऐसा क्या हुआ। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, आउट हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, क्या कह रहा है कि जब वहाँ पर जाता ना तो वो क्या बोल रहा है कि मैं अपने मतलब जो कमोशंस होती है ना, कमोशन होता है एक तो काउंटर ने अपने आप को भरोसा दिलाया, क्या वो अपने आप काउंटर ऑन करता है, भरोसा दिलाया द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, क्या करेगा बिना हलचल बिना शोर शराबे के जो है वो मैं अपनी टेबल पे जा करके बिना किसी की नज़र में आ जाके बैठ जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स, किंतु वास्तव में दैट डे, उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह था, जिस सुबह को शनिवार रविवार के रोज़ स्कूल नहीं खुलता सब कुछ शांत रहता ना, वैसा संडे मॉर्निंग ही था। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स, अब वो कहता है खिड़की में से मैंने अपने कक्षा के साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वो पहले से अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। जब बच्चों की इतनी अच्छी बात बोली, मतलब स्कूल इतना शांत था कि किसी को पता ही नहीं स्कूल चल रहा भी है क्या। तो लेखक यही बोल रहा है कि मैं जब पहले तो स्कूल होता था तो दूसरी गलियों में आवाज़ सुनाई देती थी, एक साथ बच्चे पढ़ते रहते थे, टेबल कुर्सियों की आवाज़ आती रहती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, ठीक है ना। तो देखो क्या कहता है, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल क्या कर रहे थे, वो अपनी जो आयरन रूलर थी ना छड़ी थी उसको अपनी बाँह में दबाए हुए, मतलब साइड में आर्म में कांख में दबाए हुए इधर उधर टहल घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने से मुझे जाना था। हिज ओके, यू कैन इमेजिन, आप ये कल्पना कर सकते हो, हाई ब्लड ब्लेस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना और शर्मिंदा हुआ और मुझे किस प्रकार से डर लग रहा था, इसको मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, इसके बारे में वो यहाँ पर कह रहा है। यू कैन इमेजिन, फिर से बता रहा हूँ, यू कैन इमेजिन, तुम ये कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लेस्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था, इस बात के बारे में आपको बता भी नहीं सकता था, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद में देखो बच्चों आगे क्या कहता है, वहाँ पर आ चुका वो, बट नथिंग हैपन्ड, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़ी दया से बोले, पहले तो गुस्से में बोलते थे, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह जाके बैठ जाओ, लिटिल फ्रेंच, क्या छोटे फ्रेंच। देखो बच्चों यहाँ पर इसका नाम आ गया है, जो लेखक कहानी सुना ना अल्फेंस डॉडेट, उसमें लिटिल फ्रेंच फ्रेंच नाम का इसमें करेक्टर है। ओके, ये जो लड़का है वो जो बता रहा है, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही जो है वो शुरू करने जा रहे थे, यानी कि अब जो लड़का है वो अपनी क्लास में प्रवेश कर चुका है, एम हेमल जो है वो उसको डांटते नहीं है, और उसके बाद जो बातें बताएगा उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार एनालाइज करते हैं। देखो पहले बता रहा था स्कूल शोर शराबे में शुरू होता था, लोग डरते थे, यानी कि डरते क्या, लोग शोर शराबा करते थे, टेबल कुर्सियों की आवाज़ आती थी, एक दूसरे के लेसन जब पढ़ते तब भी एक साथ दोहराने की आवाज़ आती, सब एक साथ एक यूनिजन में ही बोलते थे। तो ये बात बता रहा था कि पहले, और जो हमारा टीचर था उनसे सभी डरते भी थे, कि लकड़ी लोहे की वो कहते हैं आयरन रूलर बोलते हैं, यानी कि छड़ी बोल सकते हैं, उसको अपने पास ले रखा था और बच्चे उनसे डरते थे। तो आज जो था सभी शांत बैठे थे, मैं अपनी क्लास में, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम आ गए फ्रेंच, तुम जाओ और अपनी जगह जा करके बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही जो है चैप्टर शुरू करने जा रहे थे। कहने मतलब समझिए ना, मतलब शुरू करने वाले थे तो ऐसे लगा कि तू आएगा ही नहीं, लेकिन तू आ गया, तो आ गया तो अपनी जगह जा करके
बैठ जाओ। तो बच्चों ये हमारा आज का चैप्टर, यहीं तक हम इसको रीड करेंगे। आपको इसमें क्या करना है बच्चों, दो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। एक तो कि एटमॉस्फेयर कैसा था, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, एक बुलेटिन बोर्ड पे क्या खबरें छपा करती थी, समझ गए ना। और उसने जा करके देखा तो स्कूल का जो माहौल था वो कैसा था, तो स्कूल का माहौल कैसा था, समझ गए ना। तो उसको लेकर के वो सारी बातें यहाँ पर कर रहा है और आगे बताएगा जो भी इंसिडेंट उसके साथ होती है, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। जब तक आप इसको रीड कीजिए, कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके बच्चों, सभी समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही जल्दी आपका चैप्टर जो है इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूँगा, बहुत अच्छे से आपका टॉपिक जो है ये कवर हो जाएगा। आप बिल्कुल ही टेंशन मत ले लीजिए। चैप्टर का नाम था हमारा द लास्ट लेसन। बस आप कंटिन्यू स्टडी करते जाइए, कंटिन्यू पढ़ते जाइए और वोकेबलरी तैयार कर। सबसे अच्छा काम रहेगा बच्चों वोकेबलरी का। ओके बच्चों, समझ गए ना सभी। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी सभी एक साथ, समझ गए ना। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि चैप्टर को जो है वोकेबलरी लिख लिख के तैयार कीजिए आप सभी, समझ गए। ओके ठीक है, गुड डे, गुड बाय।